नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो 100 क्वेश्चन तक हम लोग बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में। अब बात करनी थी 101 क्वेश्चन से आगे। तो 101वां क्वेश्चन है, किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर, जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। क्वेश्चन है दूसरा, हु लिव्ड इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। तो ये भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। क्या है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखना, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है चार, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको बता देना है, ब्राह्मी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पांच, क्या है पांच, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। तो याद रखना, सिंधु काल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है छः, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो याद रखना, 18, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका सात, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो याद रखना, 89, क्या है 89, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात आठ, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो याद रखना, ब्राह्मी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका नौ, कौन सा है नौ, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो याद रखना, तेलुगु, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दस, चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो याद रखना, तमिल चोल शासकों की भाषा थी, तमिल चोल शासकों की भाषा थी। क्वेश्चन है आपका ग्यारह, हिंदी भाषा भारत तीनों का प्रतिशत लगभग कितना है। 40%, क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 12, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो याद रखना, बांग्ला, क्या है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 13, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो याद रखना, कोंकणी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 14, कौन सी भाषा देवभाषा है। तो इसमें होगी संस्कृत, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15, क्या है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो ये आपकी संस्कृत, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो याद रखना, भारत, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 17, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखना, मैसूर में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 18, क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी 1988 में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 19, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, ये देख ही लिया है, 1988 में हुई। ठीक है, क्वेश्चन है 20,
नवोदर विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो याद रखना, 6वीं। सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? 6ठी। क्वेश्चन है आपका 21। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो याद रखना, इंग्लैंड में। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 22। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, 1982 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 23। क्या है 23? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका नई दिल्ली में। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 24। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 25। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है 26। भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका धनबाद में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 27। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो याद रखना, कोलकाता में। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 28। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो याद रखना, 1917 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 30। मुगल काल में किस भाषा को रेगिस्तान कहा गया? उर्दू। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 31। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? याद रखिए, तेलुगु। कौन सी? तेलुगु। सी ऑप्शन सही है, 31 का सी। अगला क्वेश्चन है आपका 32। देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखना, नागालैंड। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 33। निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो याद रखना, सिंगापुर में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 34। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो याद रखना, खड़ी बोली। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 35। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो याद रखना, बांग्ला। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 36। क्या है 36? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 37। क्या है? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो ये थी आपकी प्रतिमा पुरी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 38। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1972 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 39। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो याद रखिए, भारत में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में होगा? केरल में। क्या है? सी ऑप्शन सही है, केरल। क्वेश्चन है आपका 41।
मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो याद रखना 022। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 42। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? याद रखना रामानंद। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 43। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना 1840 में, सॉरी 1880 में। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 44। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो याद रखना 1854 में। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 45। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह है आपका भोपाल में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 45, 46 सॉरी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका देहरादून में। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 47। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 48। क्या है? क्वेश्चन है आपका 48। धार्मिक कविताओं का संकलन कोरल किस भाषा में है? तो याद रखना यह है आपका तमिल में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 49। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो याद रखना संसदीय सरकार में। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 50। अनवार ए सोहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 51। एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो याद रखना इंडियन एयरलाइंस। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 52। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो यह आपका कोची में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 53। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो यह आपकी एयर इंडिया। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 54। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो याद रखना शेरशाह ने। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 55। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो याद रखना सड़क परिवहन से। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 56। क्या है? पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 57। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना 6 राज्यों से। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की श्रेणी में आता है? तो याद रखना बायोगैस। क्या है? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 59। क्या है? 59। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो याद रखना भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, कोयला है। इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 60। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो याद रखना सौर ऊर्जा। डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 61।
मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70%। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 62। निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से आदेश होने की खबर है? तो यह सरिस्का। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 63। क्या है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह आपका त्रिकुट। क्वेश्चन है आपका 64। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती नदी के तट पर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 65। देवदास बंजारी किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये थे पंथीनेत। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 66। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो यह आपकी शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 67। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? M.S. सुब्रलक्ष्मी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 68। हिंदुस्तान संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ग्वालियर घराना। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 69। क्या है? हिंदुस्तान संगीत का घराना नहीं है इसमें से। किराना घराना, ग्वालियर घराना है, आगरा घराना है, लेकिन लखनऊ घराना नहीं है। 69 में आपका सी है। क्वेश्चन है आपका 70। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? आपका ग्वालियर घराना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 71। पंडित भीम सेन जोशी हैं, पंडित भीम सेन जोशी हैं आपके हिंदुस्तानी गायक। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 72। गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो याद रखना, मानसिंह तोमर ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 73। ऋतु वर्मा का संबंध है? तो याद रखना, ऋतु वर्मा का संबंध पंडवाड़ी शैली से है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 74। माइकल जैक्सन संबंधित हैं? तो याद रखना, पॉप संगीत से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 75। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है आपका अगला 76। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो याद रखना, सितार। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 77। निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? तो याद रखना, गंगूबाई हंगला। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन होगा आपका 78। जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यह है आपका चित्रकला। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 79। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो यह आपका अल्पना। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 80। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? आपका प्रतापगढ़ से। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, प्रतापगढ़ से। क्वेश्चन है आपका 81। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश की निम्न में से किस स्थान से है? तो यह आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 82। नृत्य नाटक सूरदास एवं संकरिया किस पेशे वर जाति से संबंध रखते हैं? तो याद रखना, भवाई।
क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 83। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्या है पूछ रहा है, कौन सम्मिलित नहीं है? आला महोबा सही है, कजरी मिर्जापुर, बिरहा आपका कन्नौज नहीं है, रसिया बरसाना। तो इसमें क्या होगा, क्या होगा 83 का? सी। ठीक है, 83 का होगा आपका सी। क्वेश्चन है आपका 84। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो याद रखना अंकिया नाट असम सम्मिलित है। 84 का बी। क्वेश्चन है आपका 85। क्या है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है पूछा है? तो याद रखना चैती नहीं है, चाचरी है, विहू है, धूमर है। बी ऑप्शन होगा यार 85 में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 86। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं लोक नर्तक। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 87। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो याद रखना कथकली नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन होगा आपका 88। छपेली लोक नृत्य संबंधित है आपका, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश से। क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 89। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये आपका डांडिया। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90। किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरुआत की है? तो याद रखना इसमें होगा BSNL। क्या है, BSNL। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 91। क्या है, 91। निम्न में से लीप वर्ष है? तो याद रखना 1876 आपका लीप वर्ष है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 92। क्या है 92? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखना एजी ट्रेंसले ने। डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 93। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद ना किए जाने को क्या कहते हैं? जेंडर संवेदनशीलता। सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 94। भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? तो याद रखना रेवा में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 95। क्या है, हैप्पी फेस स्पाइडर, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना हेवाइन आइसलैंड में। ठीक है, आइलैंड। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 96। कब सस्त व्यापार संधि अस्तित्व में आई आपकी? तो ये आई थी दिसंबर 2014 में। ए ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपका क्या है, 97। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मदन मोहन मालवीय भी हैं, के आर नारायण नहीं है। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 97 का सी। क्वेश्चन है आपका 98। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। ठीक, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 99। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध आपका टीकाकरण से है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 200। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह है आपका नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 क्वेश्चंस। आगे हम लोग बात करेंगे 201 से, आगे बात करेंगे। ठीक।